ये है कुछ बाहर का कंस्ट्रक्शन, आप मतलब कि देखिए कितना बड़ा 52 कोठी है इसमें टोटल। अगर हम इसमें कोठी की बात करें तो 52 कोठी है, और एक लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। ये देखिए तो क्या लिखा है, मालाकार सालोनी, मतलब कि यही लोग प्यार करते हैं और लोग मतलब कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग वीडियो में, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल चौरसिया जी ब्लॉग्स। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम आए हुए हैं कन्हौली दरबार में, और हम यहाँ का कन्हौली दरबार आपको दिखाएंगे आखिर कैसे एक राजशाही भवन जो कि उस समय आज से लगभग 250 से 300 साल पहले जो एक राजशाही भवन था आज कैसे खंडहर में बदल गया आज हम वीडियो में। तो आप बस कंटिन्यू बने रहिएगा और आप देख सकते हैं मतलब इधर चारों तरफ जो देख रहे हैं अभी फिलहाल मतलब पूरा एकदम जंगल झाड़ू बच गया है, यहाँ पर कोई लोग नहीं रह रहे हैं फिलहाल। अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या सब है नहीं है, तो आप बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं इस चारों साइड जो आप देख रहे हैं मतलब पूरा एकदम हरा भरा, और महीना भी सावन का है, और यहाँ पर यह देख सकते हैं ये सब पूरा कचरा हो गया कितना। देखिए बकरी है इधर 3-4 गो, इधर आंटी जी है वो अपना बकरी चरा रही है। तो चलते हैं इसके अंदर और हम आपको बतलाते हैं इसके अंदर की सारी बातें। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। आप इधर में देखिए सब जगह मतलब कि ताला लॉक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये भी ताला लॉक है, मतलब जिधर आप देखिए उधर ताला लॉक है। और ऊपर भी देख सकते हैं मतलब कि कितना पुराना हो चुका है यह घर, आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए यह। मेरे अनुमान से और यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुमान से यह लगभग 300 से 400 साल पुराना है। और देखिए कुछ मतलब कि बच्चे का है, कुछ बच्चे जो है शरारती बच्चे जो लव चक्कर में कुछ अपना अपना पहचान छोड़ के गए हैं, जो कि बहुत ख़राब बात है, ये नहीं होना चाहिए। एक राजशाही दरबार में इस तरह की मतलब कि मानसिकता लोगों के अंदर में नहीं आनी चाहिए था कि मतलब कि कितना बेकार, अच्छा नहीं लग रहा है कि एक राजशाही दरबार में इस तरह से कुछ लोग मतलब अपना नाम लिख रहे हैं। इससे क्या लोग साबित करना चाह रहे हैं कि वही लोग प्यार करते हैं। ये देखिए तो क्या लिखा है, मालाकार सालोनी, मतलब कि यही लोग प्यार करते हैं। कुछ हम आपको यहाँ का सीन दिखाते हैं, ये सब तो होते रहेगा लेकिन ये सब बहुत ख़राब बात है। देखिए यहाँ पर यह देखिए क्या लिखा है, राम मीना ये सब क्या। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं, क्या है ये सब। और गाइस इधर में भी आप देख सकते हैं ये जो है मतलब कि ताला लॉक है, और इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है कुछ। चलिए जो कुछ भी दिख रहा है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं अपने वीडियो में। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी लोग इसके बारे में अगर ज़्यादा जानते होंगे तो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि हमको हर कुछ मालूम नहीं है। जहाँ तक हो रहा है इसके बारे में हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से कुछ नॉलेज दे रहे हैं। और गाइस आप देख सकते हैं इधर में मतलब कि पूरा कचरा लगा हुआ है, आप इस साइड में देख सकते हैं ये गेट खुला हुआ है, वो भी गेट खुला हुआ है, हालांकि ये गेट बंद है। और देख सकते हैं इधर में मतलब चॉकलेट बिस्कुट खा के किस तरह से लोग कचरा किए हुए। और चलिए हम इसके बाद आपको हम बाहर लेके चलते हैं, कुछ बाहर का भी सीन दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है बाहर का कुछ कंस्ट्रक्शन, और इस साइड से आप ये जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन, मतलब कि जिस तरह से एक राजशाही दरबार होता था फिल्मों में कि कैसे एक मतलब मंत्री का घर होता था, इस साइड से गाड़ी जाना और बीच में मंत्री जी का रुकना और बाहर से फिर निकल जाना। और आप इस साइड में भी देख सकते हैं कितना मतलब कि ऊँचा ऊँचा है, और देखिए पूरा एकदम मतलब समझिए ना कि अब बिल्कुल ये रुइंस बन गया है कि कैसे एक राजशाही दरबार विशालगढ़ जिसको आप मतलब कि हालांकि वो लोग है अभी भी जीवित है, वो लोग कहीं और रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस साइड में इधर में देख रहे हैं ये सब गाछ वृक्ष है, और महीना सावन का है जिसके कारण ये पूरा हरा भरा क्षेत्र नज़र आ रहा है। और ये एक ताड़ का पेड़ है, ये मतलब सूख गया है। कुछ सीन दिखाते हैं ऊपर का, आप देख सकते हैं मतलब आप अंदाज लगाइए कि एक बिल्डिंग के ऊपर इतना पुराना घर के ऊपर मतलब इतना पुराना पेड़ कैसे जा सकता है। तो आप अंदाज लगाइए कि जब एक घर के ऊपर इतना पुराना पेड़ हो सकता है तो फिर घर कितना पुराना होगा।
आप इधर का भी सीन देख सकते हैं, इधर में कुछ लोग रह रहे हैं तो उधर में नहीं जा सकते, उधर में लोग हैं मना कर दिए हैं कि उधर मतलब उनका परिवार है तो किसी के परिवार का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, हर कुछ को अपना प्राइवेसी एक जगह होता है। और भी चलिए सीन दिखाते हैं, चलिए हम और भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। और यहाँ पर जो एक आंटी जी है, दादी जी है, उनसे हम पूछते हैं इसके बारे में, हमको तो उतना विशेष नॉलेज है नहीं, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बतलाते हैं कि क्या है सच्चाई इस बिल्डिंग के बारे में, इस दरबार के बारे में। तो हमारे साथ अभी दो आंटी जी है। अच्छा आंटी जी, आप मतलब कि कुछ जानते हैं इसके बारे में, ये जो दरबार है, ये दरबार के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे कि क्या है, क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं आंटी जी कह रही कि हम नहीं जानते, मतलब कि आप अंदाज लगाइए कि जब इनको नहीं मालूम है। कितना शूटिंग हो छे, कितना भोला बाबा के, कितना सिनेमा के सब। तो मतलब यहाँ पर गाना वाना का भी शूटिंग होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसा कि आंटी जी बतलाई हैं कि मतलब गाना वाना का भी शूटिंग चलता है, हालांकि जगह भी है शूटिंग वाला, मतलब कि इतना बढ़िया जगह है और चारों तरफ फील्ड ही फील्ड है। और भी हम आपको कुछ सीन दिखाते हैं, और राजशाही दरबार का हम मेन गेट दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये है कुछ इस प्रकार से गेट है। हमको तो आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है क्योंकि चारों तरफ जंगल है और महीना भी सावन का है, सांप किधर से। निकल जाए कोई ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं मतलब कितना पुराना हो चुका है, आप अंदाज लगाइए। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बर्न एंड क्या लिखा हुआ है, कोल्ड है कि क्या लिखा हुआ है, जो भी हो बर्न एंड कोल्ड। अब उतना अच्छा से हमको दिख नहीं रहा है, तो जहाँ तक दिख रहा है हम आपको पढ़ के बतलाए हैं, बाकी आप समझ जाइएगा क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। और भी कुछ सीन दिखाते हैं कि आगे जाना शायद खुद को जोखिम में डालने वाला बात होगा। और आप देख सकते हैं मतलब पूरा खंडहर हो चुका है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इस तरह का जो भी ब्लॉग वीडियो हो हम सबसे पहले। चलिए उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्यारा सा यूट्यूब चैनल चौरसिया जी ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।